ಸಿಯಾವರ ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೀ ಜಯ. हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका. शिल्पा शेट्टी ने कुछ यूं मनाया दशहरा, बेटे और पति ने किया रावण का दहन. यकीन नहीं हो रहा तो इस वीडियो को देखिए. आखिर किस तरह से शिल्पा के बेटे व्यान और उनके पति राज कुंद्रा ने रावण का दहन किया है. पूरे देश में मंगलवार को दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया. बॉलीवुड में भी दशहरे को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखी गई. सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर विजयदशमी की बधाई दी है और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी अपने घर में दशहरे का त्योहार जोर शोर से मनाया है. इंस्टाग्राम पर उन्होंने रावण दहन का एक वीडियो शेयर किया है. शिल्पा के बेटे व्यान और पति राज कुंद्रा ने धनुष से रावण दहन किया. शिल्पा ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, बहुत सारी नाकाम कोशिश के बाद मेरे राम राज कुंद्रा ने रावण होममेड पेपर से बनाया हुआ रावण को हरा दिया. सभी को दशहरे की शुभकामनाएं. ये त्योहार सारी नेगेटिविटी को दूर ले जाए और प्यार सक्सेस से सभी की जिंदगी भर जाए. बता दें कि शिल्पा शेट्टी हर त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से सेलिब्रेट करती है. इससे पहले उन्होंने गणेश उत्सव मनाया था, फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना की. शिल्पा ने अपने घर में कन्याओं को खाना भी खिलाया था. इस दौरान उनका बेटा भी उनके साथ मौजूद था. वही वर्क फ्रंट की बात करें तो शिल्पा शेट्टी आखिरी बार सनी देओल, बॉबी देओल, धर्मेंद्र की फिल्म अपने में नजर आई थी. इसके बाद शिल्पा ने कई फिल्मों के सॉन्ग्स में स्पेशल अपीयरेंस दी है. अब शिल्पा जल्द ही बॉलीवुड में कमबैक करने वाली है. वो फिल्म निकम्मा के जरिए 13 साल बाद फिल्मों में वापसी करेंगी. शिल्पा शेट्टी रियलिटी शोज को भी जज करती नजर आती हैं. वो आखिरी बार सुपर डांसर 3 में बतौर जज नजर आई थी. फिलहाल तो आप एक बार फिर से देखिए आखिर किस तरह से शिल्पा ने अपने घर पर दशहरे को सेलिब्रेट किया है. ಸಿಯಾವರ ರಾ ಗಾಡ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೀ ಜಯ. ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೀ ಜಯ. Ha ha ha!